मैं हूँ अभी दुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आईटी अधिकारियों की रेड, अब तक 105 करोड़ के पार हुआ रुपयों का आंकड़ा। एक हफ्ते में 30 लोगों पर आईटी रेड, 3 हफ्तों में 45 ठिकानों पर 350 अधिकारियों की ओर से की गई आईटी रेड में अंबिका पति और संतोष ठेकेदारों के घर से 40-40 करोड़ रुपया जब्त, तो अब भी तलाशी जारी है आईटी अधिकारियों की। कुल 500 करोड़ का है आईटी अधिकारियों का टारगेट। सही वक्त पर सही निशाना, लोकसभा चुनाव से पहले इन ठिकानों पर हमला, ये रुपया सरकार का बता रही है बीजेपी। तो कांग्रेस कह रही है कि किसी के घर से भी कुछ भी मिल जाए तो सरकार का कैसे हो सकता है। बीजेपी के आरोप सियासी फायदे के लिए हैं, कह रहा है कांग्रेस। बीजेपी का कांग्रेस पर पोस्टर वार, जोरों पर आईटी रेड से बड़ा हथियार मिला है बीजेपी को। अब इस पर पोस्टर वार शुरू करते हुए ये रुपया 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का कलेक्शन है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सीएम कलेक्शन मास्टर कहते हुए सियासी जंग छेड़ दी है बीजेपी ने। कांग्रेस पार्टी की एटीएम कलेक्शन मास्टर के पोस्टर से मचा है राज्य में हंगामा। बीजेपी सोशल मीडिया पर इन रुपयों का बंटवारा करते हुए कुल 1000 करोड़ में से तेलंगाना कांग्रेस को 300 करोड़, मिजोरम के लिए 100 करोड़, छत्तीसगढ़ के लिए 200 करोड़, राजस्थान को 200 करोड़, तो मध्य प्रदेश के लिए 200 करोड़ पहुंचाने से पहले ही फंस गई कांग्रेस। सरकार का पोस्ट डाला है बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। कंडक्टर के टिकट फाड़कर फेंकने पर महिला हुई गुस्सा। बस में सफर करने वाली महिला ने कंडक्टर के इस बर्ताव पर, जो टिकट काटकर फाड़ के फेंक रहा था, इसका वीडियो बनाते हुए क्यों फाड़ा टिकट, ऐसा ही करके फ्री महिलाओं के सफर शक्ति योजना को बदनाम करके लॉस हुआ है कहकर बंद करवाओगे आप जैसे लोग, हम टैक्स देते हैं, किसी का एहसान नहीं, क्यों फाड़ कर फेंका टिकट पर महिला के सवाल के आगे शर्मिंदा हुआ कंडक्टर, माफी मांगने लगा। तो यही सवाल पूछती रही महिला कि क्यों फाड़ा टिकट। अब बीपीएल ग्राहकों के लिए घर तक आएंगे राशन के चावल, अन्न भाग्य ग्राहकों के लिए गुड न्यूज। बूढ़े लोगों को आसानी हो लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर परेशान न होने, फूड विभाग का नया प्लान। ऐसे ग्राहकों पर होगी अन्न भाग्य राशन की डोर टू डोर डिलीवरी करने की तैयारी लगभग तय कर चुका है फूड विभाग। वक्त के साथ साथ आपके राशन लेने की परेशानी भी कम होगी इस योजना से, जो बुढ़ापे में अक्सर सहारा ढूंढते हैं ऐसे कामों के लिए लोग। इसमें भी कंडीशन होंगे, 90 साल से ऊपर वाले लोगों को मिलेगी ये योजना, जो घर में अकेले होंगे। राज्य में ऐतिहासिक दशहरा की हुई शुरुआत। मैसूर के पैलेस में एक निजी दरबार को फूलों से सजाकर महाराजा यदुवीर के नेतृत्व में सिंहासन पर विराजमान महाराज ने इसकी शुरुआत की, जो कर्नाटका की संस्कृति का प्रतीक और दुनिया को हमारी पारंपरिक विरासत को दिखाने वाला एक महान त्यौहार माना जाता है। दशहरा को नवरात्रि के पावन मौके के साथ इसकी शुरुआत हुई, जहाँ इस त्यौहार और उत्सव की शहनाइयाँ बज रही हैं सभी जगहों पर। बागलकोट कारपोरेशन कमिश्नर सीट को लेकर फाइट। बागलकोट में फिर एक बार कुर्सी के लिए लड़ाई। पिछले दिनों डीएचओ की कुर्सी को लेकर ये नज़ारा देखने को मिला था, अब नगर सभा कमिश्नर की कुर्सी को लेकर फाइट। बागलकोट नगर सभा के एक कमिश्नर चेंबर में दो कमिश्नर की चेयर, पहले के कमिश्नर आर वासन तो अब के नए कमिश्नर रमेश जादव, ट्रांसफर के खिलाफ सवाल उठाते हुए KET का दरवाजा खटखटाया है आर वासन ने। तो सरकार का आदेश लाकर दिखाएं, जिस तरह से मैंने लाया है का सवाल रखा है नए कमिश्नर जादव ने, तो एक कुर्सी पर दो कमिश्नर से हैरान, अब किसका आदेश माने, इसी उलझन में है यहां के नगर सभा कर्मचारी।
रेल की लारी पलटी तो लेने के लिए जनता की भीड़ उमड़ी। विजयनगर के कुंदलगी में खाने का तेल ले जा रही लारी ड्राइवर के कंट्रोल खोने से पलट गई तो खुशकिस्मती से चालक और क्लीनर बच गए, पर आसपास की जनता के लिए ये लारी लॉटरी साबित हुई। लारी के पलटते ही तेल जमीन पर बहने लगा तो लोगों ने घर में जो भी बर्तन मटकी कैन थे सब लाकर भर भर के ले जाने का नज़ारा देखने को मिला। यहाँ जबकि पुलिस भी थी मौजूद, लोग थे तेल भरने में मसरूफ। इसे कहते हैं एक का नुकसान तो कईयों का फायदा। होम मिनिस्टर के क्षेत्र में गैरकानूनी रेत का कारोबार। तुमकुरु के जयमंगली नदी पर रेत माफिया का दरबार। रात के अंधेरे में होम मिनिस्टर के क्षेत्र कोरटगेरे तालुका मुर्गनहल्ली के बेवेनहल्ली जयमंगली नदी से बेंगलुरु पहुंचाया जा रहा था रेत। रेत से भरी ट्रैक्टर और रेत के इस गैरकानूनी अड्डे पर तहसीलदार मुनीश श्यामी रेड्डी के नेतृत्व में रेड करने पर रेत से भरी ट्रैक्टर और बाइक छोड़कर रेत माफिया फरार। कोडला पुलिस थाने में मामला दर्ज। पिछले कई महीनों से बिना डर चल रहा है ये गैर कानूनी रेत का कारोबार, जिसके चलते दूसरी बार छापामारी की है तहसीलदार की ओर से। जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा दशहरा का फ्लावर शो। राज्य का दशहरा त्यौहार सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां कई तरह के प्रोग्राम से इस पारंपरिक त्यौहार को मनाकर एक दूसरे से त्यौहार की खुशियां बांटी जाती हैं, जिसमें तरह तरह के फूलों से बनाए गए मॉडल्स हर साल कोई ना कोई संदेश देते हैं जनता को। इस बार के फ्लावर शो में कांग्रेस के जनहित प्रोग्राम और गारंटी योजना जैसे शक्ति योजना, महिलाओं की फ्री बस का फूलों से सजी बस और महिला की मूर्ति, तो गृह लक्ष्मी योजना को दर्शाने वाला मॉडल, घर की मालकिन को 2000, ग्रह ज्योति फ्री बिजली का फूलों से सजा नजारा, तो अन्न भाग्य योजना की मूर्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा इस फ्लावर शो ने। दो हिस्सों में बटी जेडीएस। आज बिना कुमार स्वामी के फोटो के सिर्फ जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा की फोटो के साथ जेडीएस राज्याध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की एक अहम मीटिंग में फैसला लेते हुए कुमार स्वामी देवेगौड़ा ने क्या किया है सब ये छोड़ दो, अब हमें क्या करना है वो सोचो की बात करते हुए जेडीएस देवेगौड़ा से है, हम देवेगौड़ा पर फैसला छोड़ेंगे, हमें किसी भी हाल में NDA की दोस्ती करने वालों को हराना है। राज्य में बेंगलुरु में सीएम इब्राहिम का बड़ा बयान, हम कांग्रेस का साथ देंगे, बीजेपी JDS अलायंस का नहीं, सीएम इब्राहिम ने, जिससे साफ हो गया कि कुमार स्वामी के बीजेपी से दोस्ती पर नाराज JDS के नेता अब खुद से ले रहे हैं सियासत का फैसला। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।